देखिए, मैं फिलहाल जो हूँ रहमत फंक्शन हॉल खल्ला चंचलगुड़े से हूँ। आज जो है यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। तलस्मिया सिकल सेल सोसाइटी की जानिब से पूरा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लगाया गया है। जो तलस्मिया पेशेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पर मासूम बच्चे जो हैं, उनको लिए ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। जनाब अफानुल्ला खान की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। तो अभी सुबह 9 बजे से चालू हुआ है और तकरीबन अभी तक एक 50 पेशेंट्स ऑलरेडी 50 लोग आकर ब्लड दे दिए हैं। तो एक आदमी ब्लड देने से 4 तलस्मिया पेशेंट्स की ज़िंदगी बच सकती है। और ये तलस्मिया बीमारी जो है बहुत ही रेयर टाइप ऑफ बीमारी होती है। जिन बच्चों को तलस्मिया है, बाई बर्थ आता है ये या बीच में भी कभी आ जाता तो 25-30 साल तक रहता है ये। तो इनको जो है एवरी 15 डेज, बास जनों को अल्टरनेट डे ब्लड देना पड़ता, बास को एवरी 7 डेज में एक बार, बास को 15 दिन में एक बार, बास को 1 महीने में एक बार। तो आपका एक पैकेट खून जो है वो तकरीबन 4 आदमी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा बर्थडे था, तो उस सिलसिले में एक अच्छा मैसेज देने के लिए, चाहे आपका बर्थडे रही है या आपके घर में किसी का डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, डेथ एनिवर्सरी है, या आपका ने कोई ईद है, दिवाली है, दशहरा है, तो ऐसे मौक़ों पर, ख़ास तौर पर आने वाला मिलादुन्नबी है, तो ये सिकल सेल सोसाइटी वालों को कॉन्टैक्ट करिए, इनको ब्लड दीजिए। ये तलस्मिया पेशेंट्स बहुत कॉमन हो गए हैं और हैदराबाद में जो सिकल सेल सोसाइटी हॉस्पिटल है तलस्मिया वालों का, सारे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पर ब्लड देने के लिए। ऑल ओवर इंडिया पेशेंट्स आ रहे हैं। मैं खुद गया था हॉस्पिटल को देखने के लिए और हमारी अपील पे हमारे मुस्तफ़ा साहब, आप खुद एक मेडिकल फील्ड से है, अभी थोड़ी देर पहले दिए, इनके एक और एक दोस्त मल्ला रेड्डी साहब सिकंदराबाद से आए बेचारे। आई वेलकम जनाब मल्ला रेड्डी साहब फॉर दिस ब्लड डोनेशन कैंप। और मैं जो है हमारे अफानुल्ला खान, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं अफानुल्ला खान। यहाँ रहमत फंक्शन हॉल में ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हो चुका है। रहमत फंक्शन हॉल चंचलगुड़ा खल्ला में ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हो चुका है। 3 बजे तक है, आप सब लोग आइए, तलस्मिया पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कीजिए आके। तकरीबन 50 के लोग आके ब्लड डोनेशन दे चुके हैं। लेडीज़ का भी इंतज़ाम है इधर, लेडीज़ भी दे चुके हैं, थोड़े 4-5 लेडीज़ दे चुके हैं। आप सब लोग आइए और ब्लड डोनेट करिए। एक अपन खून की पैकेट देते हैं और 4 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है तलस्मिया पेशेंट। 1 साल के बच्चे, 3-4 महीने के बच्चे को भी तलस्मिया पेशेंट है उन्हें, और 25 साल के नौजवान को भी तलस्मिया है उन्हें। हर 15 दिन में एक बार खून उसको देना पड़ता, ज़रूरी है। 15 दिन या 10 दिन में भी एक बार देना पड़ता, हर 15 दिन में उसको खून देना पड़ता। हमारे मुस्तफ़ा साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि क्योंकि आपका ताल्लुक जो है मेडिकल फील्ड से है और पूरा ऑल ओवर इंडिया फिरते हैं, अभी ब्लड दिए हैं जी, अपील करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और खामजदुल्ला खान साहब का भी पहले तो मुबारकबाद दूंगा आपकी सालगिरह के लिए। अल्लाह सेहत और ईमान के साथ रखे आपको, आमीन। और ये तलस्मिया जो ब्लड डोनेट का कैंप रखा गया है यहाँ पर रहमतिया में खल्ले में, जैसा हमको मैसेज आया, हम लोग क्या है एवरी 6 मंथ्स को एक बार डोनेट करते फार्मा से है हम लोग रिलेटेड सेल्स में। तो हमारे साथ मेरे दोस्त भी आए हुए हैं सिकंदराबाद से, मल्ला रेड्डी साहब। और ये पेशेंट ना बल्कि पेशेंट को बेनिफिट है बल्कि खुद जो डोनेट करता उसको भी सेहतमंद सेहत भी उसको भी मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम से रिक्वेस्ट है जितने हो सकते तादाद पे आके ब्लड डोनेट करिए और अमजदुल्ला खान साहब के लिए भी दुआ करिए। सलाम। आई रिक्वेस्ट जनाब मल्ला रेड्डी साहब, एक प्लीज तेलुगु में बोलिए, अपील इन तेलुगु, इंग्लिश तेलुगु। चंचलगुड़ा अल्लाह रहमत फंक्शनल लो ब्लड डोनेशन कैंप नडुस्तुंदि। సో ఇది 4 o'clock వరకు ఉంటుంది ఇవాళ. ఈ మెసేజ్ చూసిన వారు లేదంటే టీవీలో చూసిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రహమతుల్లా ఫంక్షన్ హాల్ కాడికి వచ్చి బ్లడ్ డొనేట్ చేయగలరని కోరుకుంటున్నాను.